कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बहुत अच्छी सी केक की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी केक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम बटर। सॉफ्ट बटर होना चाहिए, मेल्टेड बटर नहीं, हार्ड बटर नहीं, सॉफ्ट होना चाहिए बटर। अब हम लेंगे 1 कप शुगर। तो आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, मेरी बहुत बारीक है चीनी तो इसलिए मैंने ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। आपकी थोड़ी सी मोटी हो तो आप पाउडर फॉर्म में करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे बीट करेंगे जब तक ये फ्लफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ इसका टेक्सचर ना हो जाए। अब हम इसमें 1 by 1 एग ऐड करेंगे, 3 एग इसके अंदर जाएंगे और साथ ही साथ बीट करते रहेंगे। हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस। अच्छे से एसेंस को भी मिक्स कर देंगे। यहाँ हम लेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून आपके पास अगर छन्नी हो तो छन्नी से ही छान लीजिएगा, जैसे आपको आसानी हो आप वैसे कर लीजिएगा। ओवन भी मैंने प्री हीट पे लगा दिया है 200 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए, जब तक हमारा बैटर रेडी होगा, जब तक हमारा प्री हीट ओवन हो जाएगा। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे येलो फूड कलर, तो जितना आपको कलर पसंद हो उतना आप ऐड कर सकते हैं। कलर को भी अब मैं मिक्स कर दूंगी। अब हमने सब एक जगह ऐसे कर लेना है, बस ये चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से मिक्स हो जाएगी, ऐसा टेक्सचर आना चाहिए, क्रीमी, बिल्कुल परफेक्ट केक बनेगा आपका। अब हमने क्या करना है, दोबारा से छन्नी लेनी है, नीचे प्लेट रख लीजिएगा। साथ ही अब हम टूटी फ्रूटी इसमें ऐड करेंगे, जितनी आपको पसंद हो। ज़्यादा टूटी फ्रूटी पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कलरफुल बहुत प्यारा सा अच्छा सा केक तैयार होगा। तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम थोड़ा सा तकरीबन 1/2 कप के जितना ऑल पर्पस फ्लावर इसमें ऐड करेंगे, साथ ही से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ये टूटी फ्रूटी पे अच्छे से कोड हो जाए। ये आप देख रहे होंगे अंदर सब टूटी फ्रूटी पे मैदा कोड हो गया है, जितना एक्सेस होगा वो हम सब प्लेट में निकाल देंगे। अब हम अपने केक का मिक्सचर लेंगे, उसमें टूटी फ्रूटी सब ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं ऑयल थोड़ा सा चारों तरफ ग्रीस कर दूंगी, थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और ऐसे करके अच्छे से सारी जगह जहाँ जहाँ ऑयल लगा है वहाँ मैदा कोड हो जाए। जब बारी है बैटर को ऐड करने की, ओवन में रख दिया है और इसे मैं 180 डिग्री पे 30 to 35 मिनट, जब तक मेरा डन नहीं हो जाता केक तो जब तक मैं इसे बेक करूंगी और वो बेक के बाद मिलता है। ऐसे केक बिल्कुल तैयार है और अभी हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, उसके बाद मोल्ड से निकाल के और फिर मैं आपको कट करके दिखाऊँ। चलिए जी, रूम टेम्परेचर पर आ गया है और अब मैं कट करके आपको दिखाऊँगी। इतना सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार ये केक रेडी हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। सिंपल सी रेसिपी है,
बहुत अच्छा और ज़बरदस्त केक बना है। ये देखें कितना सॉफ्ट, बहुत अच्छा केक तैयार हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप मैं आऊँगी ऐसे ही और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।